देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे के साथ जानवरों जैसा व्यवहार। गौतमपुरा के समीप ग्राम बछोड़ा में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल ईसाई मिशनरियों की संस्था का है। स्कूल में कक्षा चौथी में पढ़ने वाले बालक सक्षम बड़ीदार निवासी रुंजी गौतमपुरा के साथ स्कूल के शिक्षक एस माइगल के द्वारा बच्चे के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की और बच्चे को धमकाया कि किसी को बताना मत कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। बच्चा जब घर पर गया तो इतना डरा हुआ था कि किसी को कुछ नहीं बताया। जब बच्चे के पिता ने उससे बार बार पूछा तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा और सारी घटना और अपने पैरों पर बने निशान अपने घर वालों को दिखाए और बताया कि उसके सर ने स्कूल में उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की है। और बच्चे को स्कूल के सर ने ये डराया भी कि अगर किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात, स्कूल में भारत माता की जय और जय श्री राम बोलने पर भी बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। और तो और इस स्कूल में 295 बच्चे अध्ययनरत हैं। पूरे स्कूल में कहीं भी ना तो भारत माता की तस्वीर है और ना ही सरस्वती माता की कोई तस्वीर और ना ही स्कूल में किसी प्रकार की प्रार्थना या राष्ट्रगान या मध्य प्रदेश गान होता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक से जब हमारी बात हुई तो आपके स्कूल में भारत माता की तस्वीर नहीं है तो उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल के शौचालय में किसी प्रकार के कोई दरवाजे नहीं है। स्कूल के स्टाफ द्वारा बच्चों को इतिहास के बारे में गलत जानकारी दी जाती है। बालक के परिजनों ने थाना गौतमपुरा में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट ईसाई मशीनरी संस्था के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने पूरा मामला सुनकर FIR दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। अच्छा, तो फिर भारत माता की तस्वीर क्यों नहीं आपके स्कूल में, जरा आप ही जवाब दे दीजिए। वो तस्वीर लगाने पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज तक आपने कितने दिन से आपका स्कूल चल रहा है? आप ये तो कितने पाँच से छः साल से अभी तक क्यों नहीं लगाई आपने भारत माता की तस्वीर? छः साल से स्कूल है आपका, तो अभी तक तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई यहाँ पर? क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि लगाना तो लगाएं। लगाना मतलब आप शिक्षा की देवी राष्ट्र में रहते हो, इस राष्ट्र की माँ भारती का ही तस्वीर नहीं है आपके स्कूल में? ठीक है, तो लगाएंगे तो लगाएंगे, और क्या, कब लगाएंगे? अब तो आपके स्कूल में देख लेंगे, हम लोग का ये है हमारा, तो डिस्कस करके। राष्ट्रगान होता है आपके स्कूल में? जी राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान होता है? होता है। क्यों नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है? होता है। या कैसे नहीं होता है? दो लाइन जरा बोल के दिखाइए। राष्ट्रगान, हाँ, नेशनल एंथम, हाँ, जो अपन यहाँ क्या करवाते हैं, जो करवाते हैं, क्या करवाते हैं? जनगण मन है। दो लाइन याद नहीं आपको? जनगण, ये तो गाना है क्या? हाँ यही गाना है ना, यही गाना, ये गाना मानते हैं आप इसको? नहीं, ये सब पूछते हैं आप, आप सोच रहे हैं हम लोग कैसे नहीं करते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, जनगण मन गदी, हाँ, नायक जय गे, भारत बाकी विदाता। मध्य प्रदेश गान होता है? मध्य प्रदेश गान होता है अपने स्कूल में? मध्य प्रदेश के गान आप जानते हैं? मध्य प्रदेश गान बच्चों लोग गाते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश गान तो आपको पता होगा क्या होता है। मध्य प्रदेश गान किसे कहते हैं? नहीं मालूम, नहीं ऐसे नहीं है। घटना इस प्रकार है कि एक बालक है जो कक्षा चौथी में पढ़ता है, उसका नाम सक्षम पाटीदार है। कल उसने
होमवर्क नहीं करके ले गया था, कोई दो क्वेश्चन छूट गए थे शायद उसके, उस बात को लेके उसको शिक्षक ने उसके पैरों में चिमटी पकड़ ली है। उस बात को लेके जब वो वापस लौट के घर आया तो उसके उसने अपने परिजनों को बताया कि मेरे द्वारा दो क्वेश्चन नहीं करने पर शिक्षक एस माइकल द्वारा मुझे चिमटी पकड़ी गई है। उस बात थाने पर आके एस माइकल सर की रिपोर्ट की है, जिस पर हमने मामला पंजीवत किया है और मामला पंजीवत करके विवेचना मिली। पंजीवत में आपने मैंने उनके खिलाफ 323 IPC और 75 किशोर न्याय अधिनियम का मामला लिया। नहीं, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि जमानती अपराध था, इसलिए जमानत को चलते पर रिहा किया गया। मेरा नाम गोकुल अजनेरिया, उपनिरीक्षक हूँ थाना बोधमपुरा। सर मैंने ना वो दो के क्वेश्चन नहीं किए थे ना तो मैं को मारा। अच्छा, क्या करा आपके साथ? कुछ नहीं, चिमटी फोड़ी थी तो। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? चिमटी फोड़ी थी तो लाल लाल पड़ गया था पूरा पांव। किन्नों ने मारा था बेटा? सर क्या नाम है? अच्छा, रोए भी थे वहाँ? तो फिर किसी ने कुछ समझाया नहीं? सर को नहीं बोला कुछ आपने? प्रिंसिपल सर का? प्रिंसिपल सर नहीं थे, नहीं थे वहाँ पे। फिर आपने हाँ। फिर आपको कौन लेने आया वहाँ पे? अंकल लेने आए थे स्कूल में। अच्छा, फिर उसके बाद आपने बताया उनको कि मुझे हाँ। मारा सर ने? कहाँ पे घुड़ी आपको चिमटी? पाँव। बताओगे जरा? मुंह पर कर ले। कैसी चिमटी घुड़ी? स्कूल में पढ़ता है तो क्या हुआ कल परसों की शायद घटना है, तो क्या हुआ इसके साथ? ये कल स्कूल से घर आया, 3:30 लेने गए थे इसके अंकल, घर आया और इसने बताया कि ये स्कूल में बहुत चिमटी भी थोड़ी जोर जोर से आधे घंटे से। अच्छा, स्कूल में बार बार टॉर्चर करते हैं? ये तो इसने हमें भी बताया नहीं अभी तक। अच्छा, पहले कभी बताया नहीं? हाँ, पहले कभी नहीं बताया। तो इसने बताया, इसके बाद आपने क्या करा? हम फोन लगाए, हाँ। स्कूल में भी फोन लगाया था, हाँ। स्कूल से कोई भी नहीं आया हाँ। यहाँ पे घर पे हमने हाँ। सोचा कि यहीं पे घर पर निपटा लेते हैं जो भी है, हाँ। मगर स्कूल से कोई ऐसी हरकत भी नहीं हुई, लेकिन के बच्चे से आके मिले के बच्चे को थोड़ा बोले कि हम आज के बाद ऐसा हाँ। नहीं करेंगे, तो कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हाँ। और आए भी नहीं थाने में भी हमने, फिर गौतमपुरा थाने गए और वहाँ भी हमने 2 घंटे करीबन इंतजार करा, वहाँ पे भी नहीं आए। फिर हमने दर्ज करना समझा। अच्छा, पुलिस वालों देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।